देखो इसके अंदर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स अच्छा नहीं होगा तो वाइन अच्छी नहीं बनेगी। और अब इसको हम ऐसे, मैंने 15 kg ग्रेप्स लिए हैं, इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे एक एक करके प्यार से। इसको वॉश नहीं करना है क्योंकि इसमें नेचुरल ईस्ट रहता है, वाइन ख़राब कर देगा। सो पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बर्तन भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। 15 kg के आसपास ग्रेप्स हैं ये पूरे। ग्लव्स पहन के बिल्कुल अच्छे से इसको एक एक करके तोड़ना है। उसके बाद इसको ऐसे क्रश करना है। आप हाथों से भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ किसी चीज़ साफ सुथरी चीज़ से भी इसको क्रश आप कर सकते हो। लेकिन कुछ भी बर्तन या कोई भी चीज़ यूज करें वो साफ सुथरा सैनिटाइज होना चाहिए बिल्कुल। ये देखो जैसे मैंने है ना इस चीज़ का सहारा लिया था, इसको मैंने ऐसे क्रश कर दिया था। ग्रेप्स को अच्छे से क्रश करना है और ऐसे ही करना है, मिक्सी वगैरह यूज नहीं करनी है, हाथ से ही करना है, जैसे उनका जूस अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद हम इसको, ये सारा जो है ग्रेप्स प्लस जूस, इसको हम ऐसे एक कंटेनर में डालेंगे। वो आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो जिसको हम एयर टाइट बंद कर सकें, क्योंकि इसको हमें एयर टाइट बंद करना जरूरी है। और उसके ऊपर हम एक एयर लॉक लगाएंगे, ऐसे जूस और सारा पल्प अच्छे से इसको मिक्स करो। हल्का सा इसमें आप ब्रूअर ईस्ट डाल सकते हो, अगर टेम्परेचर वेदर का बहुत ही कोल्ड है तो ब्रूअर ईस्ट विल हेल्प टू गेट द फर्मेंटेशन फास्टर। ये एयर लॉक में लगा रहा हूँ, इसमें वाटर लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो। एयर लॉक ऐसे ही लगता है ये। 46-48 आवर्स के बाद आज ये सिचुएशन है इसकी, इसमें फ्रॉथ आना स्टार्ट हो गया। अभी ये 45 आई वुड से 45 आवर्स अभी हो गए हैं। लेकिन ये फर्स्ट फर्मेंटेशन आपकी ये लगा लो कि 2 वीक्स चलेगी। ये देखिए आप, एयर जो मैंने एयर लॉक लगाया था उसका लेवल ऊपर नीचे हो गया, दैट शोज कि इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है अभी। द होल आइडिया इज इसमें ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए और CO2 बाहर निकलनी चाहिए, तभी ये अच्छी वाइन बनेगी, नहीं तो विनेगर बन जाएगा अगर ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो। जब आप एयर लॉक लगाओ वो बहुत अच्छे से लगाना है। आज देखिए पूरा 72 आवर्स के बाद, नाउ यू कैन हैव ए लुक, इसमें परफेक्टली इट स्टार्ट बबलिंग आउट। ये देखिए बबल्स आया, दैट शोज कि इसमें CO2 कंप्लीट अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है। ये फर्स्ट फर्मेंटेशन आपको 2 वीक्स तक करनी है, मिनिमम 2 वीक्स। और जैसे ही फर्मेंटेशन कंप्लीट होगी आपका एयर लॉक का लेवल दोबारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस 2 वीक्स यू हैव टू शेक इट एवरी डे, यू हैव टू मिक्स इट एवरी डे जस्ट लाइक इट। इसको अच्छे से मिक्स करो आप डेली 2 हफ्ते तक, बट यू हैव टू डू इट रियली क्विक, जैसे कि ऑक्सीजन कम से कम अंदर जाए। आइडिया यही है कि ऑक्सीजन कम से कम इसकी टच में आए, क्योंकि ऑक्सीजन से वाइन खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको ऐसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ऊपर से नीचे तक, और ये 2 वीक्स तक हमें करना है। 2 वीक्स के बाद आज देखिए ये लेवल पे आ गया है, दैट मीन्स फर्स्ट फर्मेंटेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट फर्मेंटेशन। तो आज हम क्या करते हैं, आज इसको हम फिल्टर करेंगे सेकंड फर्मेंटेशन के लिए। इसको हम टेस्ट करेंगे कि अल्कोहल कितनी बनी है, और देखते हैं इसके अंदर टेस्ट और इसका टेक्सचर और कलर कैसा आया है आज फर्स्ट फर्मेंटेशन के बाद। ये 23rd को मैंने स्टार्ट किया था, आज 8th जनवरी है। सो विद इन 2 वीक्स फॉर फर्स्ट फर्मेंटेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। इसमें
अल्कोहल जो है मुझे लगता नहीं बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये देखिए आप, अल्कोहल इसमें ऑलमोस्ट अभी ना के बराबर है, लेकिन जूस जो है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। आई वुड कॉल इट ए फर्मेंटेड जूस। लेकिन अभी हम जब सेकंड फर्मेंटेशन स्टार्ट करेंगे, इसमें हाफ के जी शुगर डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर अल्कोहल स्टार्ट हो जाए, और शुगर जो है वो CO2 को, ईस्ट को खा जाएगी, एंड इट विल क्रिएट अल्कोहल। कलर इज ब्यूटिफुल, यू कैन हैव ए लुक, इट्स वेरी नाइस कलर, परफेक्ट कलर। अभी टेस्ट करते हैं इसको, कलर इज नाइस। थोड़ा टेस्ट जो है रिजलिंग की तरह है, रिजलिंग बिकॉज ऑफ CO2। आई लव इट। ब्यूटिफुल वाइन, ब्यूटिफुल वाइन। अब इसको हम स्ट्रेन करके सेकंड कंटेनर में डालेंगे। सारा जूस स्ट्रेन करना है, और ग्रेप्स को भी हल्के से क्रश करके, हाथों से कर लो या स्ट्रेनर से, सारा जूस हमें निकालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना उसको। ये देखो हमारे पास 12 लीटर के आसपास जूस ये आ गया है, और ये और आज हमें सेकंड फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दी, और ये हम बात कर रहे हैं अभी 2 वीक्स के बाद की। ये सेकंड फर्मेंटेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने 8 जनवरी को स्टार्ट की थी, 8 जनवरी को, और आज 23rd जनवरी है। सो फुल 1 मंथ के अंदर हमारी वाइन जो है वो ड्रिंकेबल वाइन रेडी हो गई है। अल्कोहल हमें मिली है इसके अंदर 11%, 11 से 12%। अभी अल्कोहल बढ़ेगी जब इसको हम बॉटल में डालेंगे और रखेंगे 2-3 महीना और, सो इसके अंदर अल्कोहल 15 तक पहुंच जाएगी। बट टुडे यू कैन ड्रिंक इट, इट्स वेरी नाइस विथ 11% अल्कोहल, वेरी माइल्ड। चेयर्स, चेयर्स, चेयर्स। बॉटलिंग करो, कॉर्क लगाओ, बंद करो, कीप सम स्पेस ऑन टॉप एंड कीप इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।